मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू ऐसा तो चलेगा नहीं असीम वकार साहब। और सुप्रीम कोर्ट तो मुस्लिम पक्ष गया था अपनी तमाम आपत्तियों को लेकर, जिसके आधार पर दो घंटे तक लंबी चौड़ी जरा भी मुस्लिम पक्ष नहीं आज की है वाराणसी कोर्ट में। आज विष्णु जैन और उनके पक्ष नहीं बोला है कुछ, और सोमवार को मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखी। मैडम बात समझिएगा, बात ही समझ रहे हैं। लड़ाई है, हाँ आप अपना साबित कीजिए, हम अपना साबित करेंगे। आप मेरा ना मानिए, हम आपका नहीं मान रहे। बाबरी मस्जिद मामले में यही हुआ था। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद पर नहीं जाते हुए ज्ञान बाबरी पर रखते हैं शलभ त्रिपाठी जी, सीधे आपका रुख करते हुए। ठीक है सर, ठीक है। 70 साल के बाद दूसरे जज साहब कह रहे प्रकट नहीं हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जाएगा ना, जिन महिलाओं ने अपनी याचिका दाखिल की है पूजा का अधिकार मिले, 1990 के आसपास तक तो वो पूजा करने जाती थी, तब तो आप लोगों को आपत्ति नहीं थी। उस समय एक सरकार की ओर से उसको अगर बंद किया गया और दोबारा वो महिलाएं अपना हक चाहती हैं, तो अब वही अधिकार आप लोगों की आंखों की किरकिरी क्यों बना हुआ है? इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि पहले भी पूजा होती थी, उससे 90-91 तक पूजा होती रही। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, एक दौर था भक्ति काल का, और अभी आप लोग दौर लेकर आए हैं पुनर्जागरण काल का। जो भी मस्जिद नजर आ रही है उस पर दावा कर दो, जो भी मस्जिद दिखाई दे रही है उस पर दावा कर दो। तो आपस में एक ही बार बैठकर देख लीजिए कि कौन कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जिसके भीतर आपको मंदिर दिखाई देता है। हर रोज एक मस्जिद को निशाना बनाकर, और मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि दरअसल हम लोगों को टारगेट किए जाने का काम किया जा रहा है। चित्रा जी, मुझे लगता है कि ये इतिहास तो बचपन से आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, आसिम वकार साहब ने भी पढ़ा होगा। एक तथाकथित इतिहासकार है जिनको इस देश ने बहुत तवज्जो दी, बहुत सम्मान दिया, संभवतः इरफान हबीब नाम है उनका। अभी कल उन्होंने भी कुछ कहा है, उनको भी सुनना चाहिए। हम तो वही बात कह रहे हैं जो इस देश में हुआ है, किसी कालखंड में जो अत्याचार हुआ है, जो बर्बरता हुई है, जो अन्याय हुआ है, जो क्रूरता हुई है, और उस क्रूरता का केवल हमने नहीं भुगता, हमारे बहुत से लोगों ने भुगता, कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होके कौन से धर्म में गए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम नहीं कोट करना चाहता था, पर क्योंकि आपने एक ऐसी बात कही, कानपुर के विधायक है इरफान सोलंकी साहब, इरफान के साथ सोलंकी क्यों है, जब इतिहास में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप कह दीजिए नहीं हम चर्चा नहीं करना चाहते, आप कह दीजिए नहीं हम बात नहीं करना चाहते, तो ठीक है साहब, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्रूरता भी की, अन्याय भी किया, बर्बरता भी की, अत्याचार भी किए, धर्मांतरण भी किया, बलात्कार भी किया, आप चाहते हैं चर्चा भी ना हो तो ये तो मारो भी और रोने भी मत दो, ये तो वो कहानी हुई। तमाम साहब लोग जाके अपनी 5 पीढ़ियां 6 पीढ़ियां पहले देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि वो भी क्रूरता का शिकार हुए हैं। और इस देश में किसी कालखंड में अगर अत्याचार हुआ है तो उस पर चर्चा होने से घबरा क्यों रहे, सर्वे से डरते क्यों हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं हमें सर्वे से कोई डर नहीं है, मस्जिद है उसको मंदिर बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप किसका सहारा लेते हैं? वर्शिप एक्ट का। वर्शिप एक्ट का क्यों आप सहारा लेते हैं अगर कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, अगर किसी चीज से आपको डर नहीं लगता, अगर कोई घबराहट नहीं होती? इस देश में आरटीआई का कानून आया, सबने स्वागत किया कि भाई कुछ छुपाना नहीं चाहते आरटीआई लगा दो, ठीक है। वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों बार बार देते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्या किससे डर लगता है? कौन सी कहानी से चाहते हैं जो कहानी सबके सामने आएगी तो इस देश में जो क्रूरता हुई, अत्याचार हुआ है वो नई पीढ़ी को पता चलेगा? पता चलने दीजिए ना, उसमें दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? अगर नई पीढ़ी जानेगी, आज इरफान हबीब को ये कहना पड़ा ना, लोग पूछते कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग निकला क्या हुआ, उससे क्या होने जा रहा है? उससे ये हुआ कि इरफान हबीब को आज स्वीकार करना पड़ा कि जो इतिहास वो पढ़ाते रहे और बताते रहे वो गलत इतिहास था, औरंगजेब ने बर्बरता की है, मंदिर तोड़वाए हैं, मंदिर ध्वस्त कराए, ये इतिहास नई पीढ़ी के सामने आने दीजिए ना। और हमने आपने सबने बचपन से पढ़ा है कि इस देश में क्या हुआ है, किस तरह तलवार के धर्म दम पे धर्म बदलवाया गया, किस तरह तलवार के दम पे मंदिरों को लूटा गया, उनकी संपत्तियां लूटी गई, इस सच को सामने आने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतिहास में चीजों को छिपाया गया, अब वो सच सामने लेकर आया जा रहा है, तो कुछ लोगों को दर्द और दिक्कत हो रही है। आशुतोष वर्मा जी, क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसी स्थिति है कि इतिहास की गलतियों को अगर मौजूदा सरकार ठीक करने का काम कर रही है तो फिर निशाने पर क्यों है वो? देखिए चित्रा जी, दो चीजें, इतिहास बदला नहीं जा सकता इसलिए इतिहास को समझना है, इतिहास का एक पक्ष को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है ये भी बड़ी जरूरी चीज है समझने के लिए। और जहां अभी शलभमणि जी ने बताया इतिहासकारों के नाम बताया, मैं आपको दो लोगों के नाम बताता हूं जो उसमें बड़े बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी किताब है। एक आंदे टस्के की किताब है द औरंगजेब सच्चाई और गल्प, और उसमें वो कहती हैं कि औरंगजेब ने मंदिर जरूर तोड़े, मैं मानता हूं मंदिर जरूर तोड़े, लेकिन उनके पीछे कभी भी धार्मिक कारण नहीं रहा, और जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिरों की सुरक्षा प्रदान की और उनको ध्यान भी दिया। आप बुक से आप वो पैराग्राफ निकाल लीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल भी दिया, कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में, महाकाल का मंदिर उज्जैन में, और कृष्ण मंदिर का वृंदावन में। उसके साथ ही एक दूसरी किताब है विशंबर नाथ पांडे जी की, फरमान ऑफ औरंगजेब। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में उस समय जितने भी पुजारी हुआ करते थे उनके पास औरंगजेब के फरमान हुआ करते थे,
और उस फरमान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने मंदिरों के लिए दान दिया, आभूषण दिया। अरे तो ज्ञान बापी अभी दिख रहा है, आप उस पर बताइए ना, उसके पीछे का एक हिस्सा मंदिर जैसा दिखता है, क्या वो गलत है या फिर सही है? हम क्यों जाए 2800 मंदिरों, फिर तो हिंदू पक्ष का दावा है 2800 मंदिरों को उसने डैमेज किया था। मैं इस पर आ जाती हूँ, औरंगजेब के, सुनिए ना सर एक सेकेंड, ज्ञान बापी पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, ज्ञान बापी को क्या उसने जो ज्ञान का कुआ था उसको डैमेज करके मस्जिद का निर्माण किया या नहीं किया, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अभी तो ज्ञान बापी पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो सवाल उसी पे मैं आ रहा हूँ ना, तो जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनको तो लिए जाएंगे ना, और ऐतिहासिक दस्तावेजों में तीन जगह ज्ञानवापी मंदिर का मस्जिद का उल्लेख आता है। एक आता है कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया, दूसरा आता है कि 1585 में अकबर के जो नवरत्न थे राजा तोडरमल, उन्होंने नारायण भट्ट जो साउथ के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे उनके साथ मिलकर अकबर के आदेश पे एक मंदिर बनवाया, और तीसरा ये जगह आता है कि अकबर ने दीन इलाही को प्रचारित करने के लिए। ये ज्ञान वापी क्या है आपकी नजर में, मंदिर है मस्जिद है? तो एक लाइन में जल्दी से विष्णु जैन जी, उसके बाद जो इतिहास में आता है वो इतिहास में इतना आता है। अब कानूनी दस्तावेज को अगर देखेंगे ज्ञान वापी क्या है, कई जगह वहाँ मस्जिद क्या है नहीं, ये मैं या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करने जा रही। अगर आज ये विवादित है, न्यायालय में है, तो न्यायालय उसको तय करेगा कि उसको किसकी तरफ जाना चाहिए। विवाद में ही क्या नजर आता है, यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप डिबेट करने के लिए बैठे हैं, यही तो पूछ रही हूँ, क्या नजर आता है? हिंदू पक्ष को शिवलिंग दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे मस्जिद को जबरदस्ती साबित करने पर तुले हुए हैं, तो आपका भी कोई तो टेक होगा ना? नहीं देख होगा बिल्कुल, इस देश को डिबेट्स में हिंदू और मुस्लिम पक्ष बात के हाँ। ज्यादा अच्छा होगा हम न्यायिक पक्ष की बात करें और न्याय से चलने के लिए देश को आगे बढ़ाएं। हम अपने पक्षों को थोप के किसी के ऊपर नहीं चला सकते हैं, इसीलिए न्यायिक पक्ष के जो अधिवक्ता उनको बुलाया गया है, इसीलिए चर्चा करने के लिए वो अपनी बात करें। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि औरंगजेब ने बहुत सारे देश में मंदिर भी बनवाए थे।